आधुनिक तंत्रज्ञानातील गॅजेटचा वाढता उपयोग आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे लहान मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्करोग व त्याचे विषाणू आढळत आहे। 2 ते 5 वर्षाच्या आतील मुलांना हा डोळ्याचा रेटिन प्लॅस्टोमा हा कर्करोग सातत्याने वाढत आहे, ज्याचे लक्षणं घ्यायची काळजी व उपचार ह्या संदर्भातील विशेष माहिती दिली जात आहे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में है, जो बच्चों की आँख का कैंसर होता है। यह कैंसर अगर सही समय पर पता चल जाए तो अधिकतर बच्चे ये ठीक हो सकते हैं, बट जानकारी के अभाव में, सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण और सही समय पर डायग्नोस ना होने के कारण ये ट्यूमर बढ़ सकता है और दिमाग में पहुँच सकता है और इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स का या माता पिता का बच्चे की ओर ध्यान रखना। ये लगभग 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में होता है और बच्चे अभी अगर हम बच्चों को देखेंगे तो उनकी आँखों को अगर हम देखें तो नॉर्मल बच्चों से उनकी आँखें अलग होती हैं। आपको एक उसको हम कहते हैं वाइट आई रिफ्लेक्स या बिल्ली की जैसी सफ़ेद आँख उसमें दिख सकती है, या बच्चों में टेढ़ापन हो सकता है, आँखों में टेढ़ापन हो सकता है। यह शुरुआती लक्षण है रेटिनोब्लास्टोमा के। अगर जल्दी से हम उसको ये पता करके और हम उनको दिखाते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं या बच्चों के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वह फिर उसका सही इलाज शुरू करवा सकते हैं या वह सही सेंटर पर उसको भेज सकते हैं। शुरुआती लक्षण जब पता चलते हैं तो हम बच्चों का MRI करके देखते हैं कि कहाँ तक ये बीमारी फैली हुई है। कई जगह पर ऑपरेशन से और बहुत अच्छी अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत जल्दी पता करने पर हमें आँख ना निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है, बट कुछ केसेस में हमें आँख का ऑपरेशन करना पड़ता है और साथ में उसको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कुछ बच्चों में रेडियोथेरेपी या सिकाई की भी ज़रूरत होती है। सही से इलाज करने पर more than 80% और कुछ कुछ सेंटर्स में 90% भी पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, आपको सही समय पर उसको डायग्नोस करना है और उसको सही सेंटर पर ले जाकर उसका इलाज करना है। अगर ये एक बार फैल गई बीमारी, तो अधिकतर दिमाग में फैली बीमारी, तो अधिकतर टाइम में यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। यह रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में है। ज़रूर अपने कोई भी ऐसी अबनॉर्मलिटी देखने पर, बच्चे के आँखों में आपको लगता है कि तिरछापन है, उसको वाइट आई रिफ्लेक्स जो मैंने अभी बताया, सफ़ेद आँख बिल्ली जैसी आँख कोई दिख रही है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अगर किसी आपके घर में या पहले बच्चे को यह बीमारी हुई है तो दूसरे बच्चे की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। तो यह है रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानकारी। धन्यवाद। अनिरुद्ध उगले, ZoomOn News, अमरावती।